कई बार सुनने में आया है कि गैस के सिलेंडर में गैस कम है या फिर गैस के सिलेंडर में पानी भरा हुआ है, लेकिन ये बात तब सच साबित हुई जब उपमंडल सरकाघाट की ग्राम पंचायत गेहरा के गांव सैले के सेवानिवृत्त थानेदार दुर्गा दास ने करीब 800 रुपये से नया सिलेंडर लिया और जब सिलेंडर को इस्तेमाल करने लगे तो गैस का चूल्हा नहीं जला। जब सिलेंडर का पिन दबाया तो सिलेंडर में किसी भी प्रकार की आवाज नहीं आई। फिर सिलेंडर को उल्टा किया तो सिलेंडर से पानी बाहर आने लगा, जिसे देखकर सारा परिवार व पड़ोसी हैरान रह गए। दुर्गा दास ने बताया कि मैं लोगों से सुनता था कि सिलेंडर में गैस कम होती है और पैसे पूरे वसूले जाते हैं तथा सिलेंडर में पानी भरा होने के समाचार भी सुने थे, लेकिन अब मैंने खुद सिलेंडर से गैस नहीं बल्कि पानी निकलते हुए देखा है। हालांकि यकीन नहीं आता है, लेकिन ये बात 100% सही है। उनके पड़ोसी बुटो राम ने कहा कि ऐसे मामले सामने आने से उपभोक्ताओं का विश्वास टूटता है। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि संबंधित एजेंसी को जांच परख कर गैस सिलेंडर देने के आदेश दें ताकि भविष्य में किसी उपभोक्ता को परेशानी ना आए। यही नहीं, जहां से गैस भरकर गैस एजेंसी तक लाई जाती है उस एजेंसी की जांच की जाए। ऐसे तो सैकड़ों गैस उपभोक्ताओं को लाखों रुपए का चूना लग रहा है। उधर जब इंडियन गैस एजेंसी रिवालसर के प्रभारी लेखराज ठाकुर से बात की गई तो उन्होंने बताया कि सिलेंडर को वापिस कर दें, जिसके बदले नया सिलेंडर दे दिया जाएगा।